दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं या फिर आगे चल करके आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है अपने चैनल के बारे में सारे कुछ जानकारी होना चाहिए। अगर दोस्तों आप एक ऑलरेडी अभी से यूट्यूबर हैं, आप YouTube पर काम करते हैं, YouTube पर वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों आपको जो है अपने चैनल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि YouTube पर काम करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो पर व्यूज भी आते हैं, सारा कुछ आता है, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए तो भाई आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी में है, तो वो भाई बता नहीं पाएंगे कि उनका जो चैनल है वो किस कैटेगरी में है। तो दोस्तों अगर आपको अपने YouTube चैनल की कैटेगरी को जानना है, पता करना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा, आप उस ट्रिक्स को फॉलो करके, आप उस मेथड को फॉलो करके अपने यूट्यूब चैनल की जो कैटेगरी है उसको आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो किस कैटेगरी में अपलोड हो रही है, आप जो वीडियो अपलोड करते हैं आपको वो जो चैनल है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इससे दोस्तों होगा क्या कि अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी को एक बार जान जाएंगे, जब भी आप अपने चैनल पर किसी भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो अगर आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने चैनल की कैटेगरी को सही कीजिए। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल कैटेगरी को जान जाएंगे कि हाँ भाई मेरा जो चैनल है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, अगर वो कैटेगरी गलत है, अगर आप उसको सही कैटेगरी में रख देंगे, उसके बाद जब आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो 110% वायरल होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल की कैटेगरी को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल की कैटेगरी को चेक करने के लिए सिंपल से जो है दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन लिख करके यहाँ पर आपको सर्च कर देना है YouTube स्टूडियो। जैसे आप यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे तो YouTube का जो YT स्टूडियो है वो एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आप लोग पहले से ऑलरेडी YouTube पर काम करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा ही, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, आपको सिंपल सा जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। अब जब दोस्तों आप लोग जो है YouTube के इस YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपने चैनल कैटेगरी चेक करने के लिए नीचे साइड में जो कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी वीडियोज होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपने चैनल की अपने वीडियो की कैटेगरी देखने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ किसी वीडियो पर क्लिक, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस वाले पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक ये एडिट को पेंसिल की तरह जो निशान दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे साइड में मोर ऑप्शन, ठीक है, आपको जो है इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी का, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा कैटेगरी और मैंने इस वीडियो को किस कैटेगरी में अपलोड कर रखा है, एजुकेशन में। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है प्रॉपर एक सही तरीके से अपनी वीडियो की कैटेगरी को रखा है, इसीलिए इस वीडियो पर यहाँ पर व्यूज आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से अपने वीडियो के अपने चैनल की सही कैटेगरी रखेंगे तो आपकी जो है वीडियो 100% वायरल होगी। अब दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आप वीडियो कैटेगरी अलग होती है, चैनल कैटेगरी अलग होती है, नहीं भाई अलग नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने हर वीडियो की कैटेगरी को अलग करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है मैं इस वीडियो में जितना कुछ बताया हूँ वो आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीका, सही प्रोसेस, सारा कुछ अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।